You said I'd fly away, but my words have kept me down. Now I'm lost and I'm afraid, and I'm close to hit the ground. राम राम भाई, सारा भाई है ना, मैं आपका भाई कुणाल यादव। आज भाई एक और ओनरशिप रिव्यू लेकर आए हैं। 2012 मॉडल VW वेंटो हाईलाइन मॉडल है, 1.6 MPI इंजन पेट्रोल जो आती थी। ओनर भाई हमारे साथ है, भाई को बुलाऊंगा। आ जाओ भाई, क्या हाल है भाई? भाई बढ़िया, राम राम कर दे भाई। राम राम भाई, सारे भाइयों ने। तो भाई 2012 मॉडल वेंटो आपने 2012 में ही ली थी? नहीं भाई, ये हमने 2018 में ली। तो आपने भाई सेकंड हैंड ली थी? हाँ भाई, सेकंड हैंड। उस टाइम पे आपने और कौन कौन सी गाड़ी देखी थी? उस टाइम पे भाई जब हमने तो के कहा तो हमारो पर्पज यो थो कि इसमें बूट स्पेस बहुत है इस गाड़ी में, वेंटो में। हमने चाहिए तो के कहा बूट स्पेस वाली गाड़ी चाहिए थी। अच्छा, जब हमने एक अपनी सन्नी देखी थी, निशान सन्नी देखी थी। अच्छा। और एक वरना देख के आए थे। अच्छा, तो वरना हमने नूनाली, वरना को ग्राउंड क्लियरेंस इससे कम थो। अच्छा, और वरना की मेंटेनेंस ज्यादा हाई थी। वैसे होंडे और इसकी मेंटेनेंस दोनों की बराबर ही है, पर वरना नाली हमने, क्योंकि इसको बूट स्पेस और भी ज्यादा लगा हमने वरना था। अच्छा, उस टाइम पे वरना जब पहला आई करती, जो पहले आई करती। अच्छा, और अपनी सन्नी जो थी, सन्नी को इससे भी ज्यादा तो बूट स्पेस। पर सन्नी के जो क्या कहते हैं फीचर्स, इंटीरियर कुछ भी नहीं था इस गाड़ी। अच्छा। में फीचर लोडेड गाड़ी है ये पूरी। आपने फिर भाई उस टाइम जब ये देखी थी, ये कह देते कि फोक्सवैगन की जो गाड़ी है उसका जो मतलब आफ्टर सेल्स वो है, वैल्यू जो है कम होती है। तो उसमें कितना डिफरेंस लगा था वरना देखी थी, सन्नी देखी थी, और इसमें फर्क कितना था? भाई जब हमने सन्नी देखी थी तो सन्नी की तो बिल्कुल ही, निशान की तो सेल्स डाउन है बिल्कुल। निशान तो इससे भी हमने बहुत ज्यादा सस्ती पड़ रही थी। अच्छा, अब वरना और इसमें हमने ज्यादा फर्क नहीं देखा था, क्योंकि भाई वरना ज्यादा इनकी जो बोल्स वगैरह, इसकी गाड़ी की सेल्स है ना, रीसेल वैल्यू कम है, रीसेल वैल्यू कम है, तो वरना की ज्यादा है। तो हमने ये वरना इससे 50,000 रुपए महंगी पड़ रही थी फिर हमने। तो ये पॉइंट भाई जा ही जाए, कम है इसकी आफ्टर सेल सर्विस, वो रीसेल वैल्यू कम है। उसके बाद भाई कितनी मतलब उस टाइम पे कितनी चल रही थी और कितने की पड़ गई थी? उस टाइम भाई ये हमारी चल रही थी 40,000 किलोमीटर चल रखी थी। अच्छा। कंपनी रिकॉर्ड पूरी, ठीक है भाई। और फिर ये हमने पड़ गई थी 3.5 लाख रुपए की पड़ी थी। 3.5 लाख में भाई ने ले ली थी। तो और डिटेल में बात करेंगे भाई। सबसे पहले तो भाई इसमें जो मतलब 1.6 1600 cc इंजन है पेट्रोल, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है भाई? इसका जो 1.6 लीटर है उसकी परफॉर्मेंस, मतलब गाड़ी के आप क्या पूछना चाहते हो कि स्पीड कैसी है, पिकअप कैसा है? पिकअप इंजन इसका भाई आज भी, इतने साल हो गए गाड़ी को, 2012 मॉडल है, आज भी इसका इंजन इतना साइलेंट है ना, मतलब गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी आपको कोई खबर नहीं है। 4 सिलेंडर इंजन आता था भाई उस टाइम पे, जो आज अपनी पोलो है उसमें भी 3 सिलेंडर इंजन है, लेकिन इसमें उस टाइम पे 4 सिलेंडर इंजन आया करता। और भाई इसकी पिकअप, कोई भी आप अपनी गाड़ी ले लो किसी भी कंपनी की जो 10 से 15 के रेंज में आती है। अच्छा। इसके पिकअप को कम्पीट ही नहीं कर सकती भाई। जो जर्मनी वोल्सवैगन की ये गाड़ी है, मतलब मेरे लिए तो क्या कहते हैं, नो वर्ड्स, कोई वर्ड्स ही नहीं मेरे पास इसके पिकअप। देख लो भाई, और चलाने में जो मजा है वो और बताओ भाई। चलाने में जब आप गाड़ी बैठते हैं भाई, हमने सारी गाड़ियां रखी है, हमने ओडी भी रखी है, हमने बीएम भी रखी है, पर जब हमने सोची कि अब हमने ओडी सेल करी थी, हमारे पास A4 थी, हमने A4 सेल करके सोची कि कहते हैं हम भाई नीची गाड़ी लेंगे तो हमने वो कंफर्ट नहीं मिलेगा, वो इंटीरियर नहीं मिलेगा। अच्छा। पर हमने वेंटो जब ली भाई, इसका इंटीरियर ले लो आप। हाँ। इसका इंटीरियर इतनी प्रीमियम लुक देता है, जो इसका ड्यूअल शेड इंटीरियर आता है इसमें। अच्छा। इतना प्रीमियम लुक देता है, और इसमें कम्फर्ट आप क्या कहते हैं कितनी ही लंबी ले जाओ, एक कम्फर्ट में मेरे को क्या कहते हैं बेस्ट भाई इनोवा, एक अपने बेस्ट इनोवा कंफर्ट देती है, और उसके बाद मेरे को ये शेडान में ये गाड़ी कंफर्ट लगती है। अब हाल फिलहाल में और कौन सी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो भाई? भाई हाल फिलहाल में हमारे पास क्या कहते हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर है 4x4, और एक क्या कहते हैं विटारा ब्रेजा है। तो विटारा ब्रेजा जब मैं इसे चलाता हूँ, मेरे से विटारा चलती नहीं है ये वो गाड़ी छठा गियर मांगती है हमेशा। इसका क्या कारण भाई? भाई उस गाड़ी भागती है वो गाड़ी। हाँ। उसमें पिकअप बहुत अच्छा है, 160 चली जाएगी। अच्छा। उसके बाद वो गाड़ी और छठा गियर मांगने लग जाती है। हाँ। कि छठा गियर दो, 120। अच्छा। के बाद ही वो छठा गियर मांगने लग जाती है। जब भाई आपने गाड़ी में इतनी जान दी तो उसमें छठा गियर भी दे देते, तो ये चीज शिकायत लगी उसमें। हाँ। पेट्रोल वाली भाई, डीजल वाली? डीजल वाली, 1250 cc वाली। अब भाई इंटीरियर में आ जाओ। अच्छा तुषार भाई ये बताओ, अब जो इसकी इंटीरियर की जो प्लास्टिक क्वालिटी है, 2012 मॉडल के हिसाब से पुरानी हो गई गाड़ी, और जो हम और भी जो गाड़ियां देखते हैं वो बजने लग जाती है। नहीं भाई, अगर आप ये बात कहते हो कि 2012 मॉडल की गाड़ी है और आपका इंटीरियर बजने लग जाता है, आप। हाँ। आज भी इसको देखो,
कहीं से गाड़ी आप कितनी ही स्पीड में 160 की स्पीड में भी इस गाड़ी को ड्राइव करते हो, इसमें कोई आवाज नहीं आती मेरे को तो आज तक, सिंगल टाइम विंड नॉइज भी नहीं आती, कोई विंड नॉइज नहीं आती, ना ही गाड़ी का इंटीरियर इतना प्रीमियम है, मतलब आप देखते हो कि कलर फेड हो जाता है इतने साल, 10 साल के बाद आप अपनी मारुति की गाड़ी लोगे कलर फेड, इसका इंटीरियर आज भी ऐसा का ऐसा ही है, कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी में। अब जैसे आप कच्चे रस्तों में चलाते हो भाई, कच्चे रस्तों में मैं बताता हूँ, देखो भाई मैं हूँ क्या कहते हैं गाँव में रहने वाला आदमी, ये कच्चे रस्तों में ही चलती है बेचारी, अच्छा। शैतान है, फिर भी अब हम गांव में रहते हैं तो भाई जब गांव में रहने वाला खेतों में नहीं चलाएगा तो कहाँ चलाएगा ये गाड़ी, हम ये तो नहीं बोलेंगे कि हाँ भाई फिर 4x4 है खेतों में ले जाओ, हाँ। पर ये अपने कच्चे रस्तों में आराम से ड्राइव हो जाती है, टिकती नहीं है, कभी भी नहीं टिकती ग्राउंड क्लियरेंस। अब भाई मैं बताऊं 5 बंदे बैठ के तो ये गाड़ी टिक सकती है, अच्छा अच्छा, नॉर्मल अगर आपके 3 बंदे बैठे तो गाड़ी कहीं नहीं टिकती किसी ब्रेकर। आज तक आपने 2018 में ली थी भाई, हाँ भाई, उसके बाद इसमें जो कमी आई है ना, मेजर कमी आई है गाड़ी, हाँ। में वो बताओ भाई। इसमें भाई मेजर कमी हम बताते हैं इसके सेंसर की, भाई बहुत ज्यादा दिक्कत सेंसर की, मतलब अपने आप, मैं बता रहा हूँ आपको वो बात है कि हमारे गांव में चलती है गाड़ी, गांव में आपको पता पानी कहीं भरा रहता है, कभी कुछ है कभी कुछ है, बिल्कुल, और अगर पानी में ये गाड़ी चली गई ज्यादा बार तो कई बार इसके सेंसर में ऐसा फॉल्ट हो जाता है, इसके सेंसर टायर में दे रखे हैं, अच्छा, और वो सेंसर टायर में जब पानी में जाता है सेंसरों में कई पानी बार घुस के वो खराब हो जाते हैं, और वो खराब होते ही सीधे इसके मीटर में ब्लिंक होती है, इंजन लाइट आ जाएगी, कभी क्या कहते हैं हैंड ब्रेक की लाइट आ जाएगी, फिर आप वो सेंसर चेंज करा लो वो फिर चले जाते हैं, और अगर फिर अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो फिर वो लाइट आ जाती है, और उसकी वजह से इसका मीटर सही काम नहीं करता, तो ये एक इशू है कि जर्मन कार्स गाँव के लिए नहीं बनी है। अच्छा, रोड पे चलाओ इनको, रोड पे चलाओ बढ़िया, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है इस गाड़ी को, हाईवे पे ड्राइव करो, बहुत प्यारी गाड़ी है। ब्रेकिंग वगैरह, स्टेबिलिटी वगैरह, ब्रेकिंग भाई इसको आप 100 की स्पीड पे भी अगर 1 सेकंड में ब्रेक मारोगे तो ये ABS इसका इतना अच्छा है, जबी की जबी मारुति की गाड़ी हमारा ये है, मेरे पास ब्रेज है, मैं उसको 120 भगा के ब्रेक मारता हूँ तो उसको मैं यहाँ ब्रेक मार रहा हूँ इतनी सी आगे जाकर रुकती है, इसका ये मैंने 120 यहाँ ब्रेक मार दिया तो वहीं रुक जाए, फर्क है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फर्क है भाई, मारुति तो मतलब एक तरह से जब मैं मारुति चलाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है उसमें ब्रेक ही नहीं है। अच्छा जी, अब भाई ये बताओ आप इस चीज का बेस्ट एग्जांपल दे पाओगे, जर्मन गाड़ियों का बुढ़ापा खराब है किस टाइप में, मेंटेनेंस ले जावे तो, हाँ। या फिर वैसे मैकेनिकल दिक्कत कुछ वो गाड़ी करने लग जाती है। भाई अगर हम ये कहें जर्मन गाड़ी का बुढ़ापा खराब है, हाँ। तो मैकेनिकल तो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप सही रखते हो गाड़ी को शुरू से ही मेंटेन करके लाए हुए, ये जो इसका ओनर था वो था कोई बंदा बाहर का, अच्छा, तो जब उसने गाड़ी ली वो उसके बाद बाहर चला गया, और क्या कहते हैं उसकी वाइफ ने ड्राइव की, गाड़ी तो बहुत कम चली है, ना के बराबर चली होगी बिल्कुल, तो गाड़ी नई थी खड़ी थी, हमने फिर भाई गाड़ी जब इसलिए हमने ले भी ली कि सेकंड हैंड गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर इतनी कम चली हुई है, इसमें आज तक कोई मैकेनिकल प्रॉब्लम तो आई नहीं, अच्छा, पर भाई मेंटेनेंस मांगने लग जाते हैं इन गाड़ियों के, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा मांगती है, हाँ। सर्विस कॉस्ट अगर नॉर्मल सर्विस की बात करते हैं, नॉर्मल जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा पार्ट नहीं हो, इंजन ऑयल चेंज हुआ हो, लेबर कॉस्ट वगैरह लगा के, वो कितने की आती है नॉर्मल सर्विस भाई, जब इसका इंजन ऑयल चेंज हुआ हो तो फिल्टर वगैरह चेंज हुआ, ज्यादा सर्विस कॉस्ट नहीं है भाई, 4-5 हजार रुपए इतनी आती है, हाँ। जब बात आती है भाई पार्ट्स की, भाई जब पार्ट्स की बात आती है ना तो मैं कहूंगा इस गाड़ी को बेच के ऑडी ले लो, अच्छा जी, पार्ट्स इनके सेम है भाई, मार्किंग तक ऑडी की आती है इसके पार्ट्स पर, अच्छा, अगर आप कोई भी इसके छोटा सा भी पार्ट ले लो, एक कॉइल भी 7 हजार रुपए की है इस गाड़ी की, आपने अभी एग्जांपल कुछ आपने चेंज करवाया था भाई, जैसे मैंने इसका कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट आ गया था इसमें, तो मैंने इसमें EPC की वो ब्लिंक आ रही थी, तो मैंने देखा, मैंने चेक कराया कंपनी में गई, तो वो बोलते क्या कहते हैं इसमें इसकी कॉइल में प्रॉब्लम है, तो मैंने कहा ठीक है कर दो कॉइल चेंज, अब हमारी नॉर्मल क्या कहते हैं कोई भी गाड़ी है उसकी कॉइल इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती, अच्छा, जब हमने इस गाड़ी की भाई कॉइल चेंज कराई तो एक कॉइल हमारी 6-7 हजार रुपए में पड़ी, तो ये मेंटेनेंस इसकी एक्सपेंसिव साइड जाती है, मेंटेनेंस एक्सपेंसिव, और पार्ट्स एक सोकर इसका सिर्फ एक सोकर 11 हजार रुपए का है, आपने चेंज करवाया, हाँ, मैंने इसके दोनों आगे के सोकर, आपको पता है 10 साल गाड़ी चलती है तो सोकर मांगेगी, अब मैंने इसकी सोकर किट सोकर सब कुछ चेंज कराया था, तो मेरा टोटल कॉस्ट 40,000 के आसपास है, 40,000 में, हाँ, सर्विस वगैरह, सर्विस भी, सोकर किट चेंज हो गए थे और इसके क्या कहते हैं ब्रेक पैड वगैरह चेंज हो गए थे, 40,000 कॉस्ट आई थी, देख लो भाई आज की डेट में 10 साल बाद कोई इस गाड़ी में एक्सीडेंटल नहीं है, कभी कोई खास मेजर इसने पार्ट नहीं चेंज मांगा, ये गाड़ी आज भी ऐसी की ऐसी है, इंजन वाइज कोई भी काम नहीं है भाई, कोई काम नहीं है, बिल्कुल साइलेंट, ये तो नहीं है भाई कि भाई इंजन में फर्क पड़ गया हो पहले के मुकाबले, अब भाई वो तो थोड़ा बहुत तो पड़ ही जाता है, अब हम ये कहेंगे कि 10 साल बाद एक इंसान आज 20 साल का एक 30 साल का है उसके बॉडी पार्ट्स वैसे काम करे वो तो नहीं है, पर जो और गाड़ियों के मुकाबले इस गाड़ी का इंजन आज भी वैसा का वैसा ही है, जो गाड़ी आप देख सकते हो रिलायबल है, मतलब रिलायबल गाड़ी है, मैं कहूंगा वोल्फसवैगन अगर आपसे पैसे लेता है तो मटेरियल भी देता है, बिल्कुल क्वालिटी देता है, हाँ।
अब भाई आपने कभी मतलब वो चेक हुआ हुआ आपका बिल्ड क्वालिटी के बारे में कुछ? बिल्ड क्वालिटी के बारे में भाई एक बार चेक हुआ हुआ है, जैसे इसकी खिड़की में क्या कहते हैं मारुति की गाड़ी से टक्कर मारो आप, इसमें तो एक डेंट आया। अच्छा, उसका बम्पर बैठ गया पूरा। अच्छा जी। हाँ, और ऐसे एक बार मेरे से ही गलती से मैं बैक करते टाइम इसकी क्या कहते हैं जो क्या कहते हैं डिग्गी है वो बहुत ज्यादा पीछे लंबी गाड़ी है, शेडान है, तो इसकी डिग्गी लग गई थी। अच्छा, मैं अगर उस जगह कोई भी गाड़ी होती तो आपकी डिग्गी पूरी खत्म हो जाती, इसकी डिग्गी सिर्फ डेंट है। डेंट है। बिल्ड क्वालिटी बेस्ट है, बाकी आपको चलने वाइज कोई इशू नहीं है गाड़ी में, मजा आता है भाई। लॉन्ग रूट पे मैंने क्या कहते हैं खूब ड्राइव किया, बहुत कंफर्ट गाड़ी है, बहुत ही कंफर्ट। अब बात आ जाती है भाई इसके एवरेज की पेट्रोल इंजन के साथ। भाई अब इसके पेट्रोल की बात, आपकी कंपनी कितनी क्लेम करती है एवरेज वेंटो की? कंपनी करती है भाई इसकी 14-15 के आसपास, 14-15 क्लेम करती है। तो ये गाड़ी भाई अगर कोई अच्छी ड्राइव करने वाला है, नॉर्मल जो भाई ज्यादा क्या कहते हैं रन नहीं करता और सिंपल गाड़ी चलाता है, तो उसको आराम से ये हाईवे पे गाड़ी दे देती है 12-13 की एवरेज, आज भी दे देती है। और भाई मैं नॉर्मल अपनी सिटी में चलाता हूँ तो सिटी में गाड़ी 10 की एवरेज देती है। विदेशी? हाँ, 10 की दे रही है। 10 की एवरेज, तो एवरेज थोड़ी सी लो है इसकी। हाँ, एवरेज लो है, एवरेज तो बहुत ज्यादा ही लो है। कम्फर्ट तो आपने बता ही दिया काफी अच्छा है। अब आपकी हाइट कितनी है भाई? भाई मेरी हाइट है 5'10" 5'10 के हिसाब से आपने एडजस्ट कर रखी है। हाँ, 5'10 के हिसाब से। और भाई मेरी हाइट है 6 feet की, तो देखो नी रूम में मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंडर थाई स्पोर्ट भी काफी अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं आगे अपने हिसाब से भी एडजस्ट करूंगा तो भी काफी स्पेस बचेगा, पीछे की तरफ रियर एसी वेंट भी है। अगर बात आती है लेकिन भाई हेडरूम की, तो थोड़ी सी इस साइड प्रॉब्लम होती है यहाँ, तो हेडरूम में थोड़ी सी कमी है, बाकी एडजस्टेबल हेड नेक रेस्ट है और जो आर्म रेस्ट है वो भी यहाँ पे कंपनी ने प्रोवाइड किया है। अब आती है भाई बूट स्पेस की बात, तो बूट स्पेस और देखते हैं चल के। अच्छा, पीछे से कहाँ से लगी थी भाई आपकी? भाई मेरी गाड़ी यहाँ से लगी थी, यहाँ इसमें क्या कहते हैं वेंटो की मार्किंग आती है और वोल्सवैगन की जो मार्किंग आती है, तो ये सिर्फ इतनी सी ऐसे हुई थी बस। हाँ, जो इसका वी होता है ना ई, हाँ, वो ऐसे निकल गया था बस, वो ही निकला था बस, वैसे इसमें हाँ, कोई दिक्कत नहीं आई। वैसे कोई दिक्कत नहीं, पूरी गाड़ी वैसी। ये देखो भाई इसका बूट स्पेस, सामान तो भाई पूरा रख रखा आपने? भाई पूरा सामान रख रखा है, एक्चुअली एक भाई को छोड़ना था तो इसमें क्या कहते हैं सामान पड़ा था, और ये तो आप देख सकते हो, चलो एक एग्जांपल है इसका बूट स्पेस का, ये बहुत बढ़िया। बिल्कुल, दो बड़े बड़े बैग रखे, टूर बैग रखे, ऐसे ही दो रख लो बेसिक, ऐसे ही दो, एक टूर बैग रख लो और साइड में भी फिर आपका स्पेस बचता है और ऊपर भी बच जाता है। हाँ, ऊपर भी स्पेस बचता है, तो बूट वाइज तो भाई काफी स्पेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी है। बस मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस गाड़ी की जो स्टेपनी आती है, हाँ, वो नॉर्मल टायर से छोटी आती है, वो एक इशू है। अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, हाँ, और आपकी गाड़ी में अगर कोई इशू आ जाता है टायर में, तो स्टेपनी इनकी आपका वो छोटी जो स्टेपनी होती है उसमें 60-80 स्पीड ही होती है, ये इशू है। ये इशू है, वो आपको चेंज करवाना ही पड़ेगा। हाँ, वो या तो चेंज करा लो या कंपनी को दे दे, तो और भी बाकी भाई पीछे टॉप मॉडल था ये उस टाइम पे ना भाई, टॉप मॉडल था, तो इसमें डिफोगर भी दिया गया है और अलॉय व्हील दिखा देते हैं भाई। ये देखो 15 इंच के इसके अलॉय व्हील है इनकी, कंपनी फिटेड है, बाकी भाई ने इस पे पेंट कराया हुआ है रेड एंड ब्लैक, बाकी ये सिल्वर कलर आता है। साइज की बात करते हैं 185/60R15, ठीक है भाई। तो ये हो गए अलॉय व्हील इसके। अब भाई कंक्लूजन पे आ जाते हैं लास्ट में, अगर कोई और भाई सेकंड हैंड लेना चाहे तो क्या राय दोगे? अगर भाई मैं ये बताऊंगा, अगर किसी को सेकंड हैंड गाड़ी लेनी है वोल्सवैगन की, तो भाई जिसका रन अप ज्यादा है ना वो वोल्सवैगन की गाड़ी मत। अच्छा, जिसका दिन का रन अप होता है ना कम से कम 60-80 किलोमीटर, हाँ, वो वोल्सवैगन की गाड़ी मत लो। अच्छा, क्योंकि इंसान सबसे ज्यादा आज के टाइम में हम देख रहे हैं पेट्रोल। हाँ, बिल्कुल, कभी हमारा 100 है कभी 105। बिल्कुल भाई, बिल्कुल, तो ये गाड़ी आपको रुला देगी। जिसका क्या कहते हैं रन अप कम है, जिसका 40-50 किलोमीटर है, उसको कोई इशू नहीं है। ये गाड़ी बहुत प्यारी, अगर आपके पास ऑडी लेने के पैसे नहीं है ना, ये गाड़ी ले लो, आपको ऑडी वाली फील पूरी मजे दे देगी पूरे, अगर आपकी रनिंग कम है तो। कम है तो ठीक है भाई, ये था आज का अपना ओनरशिप रिव्यू। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई।